नमस्कार, सुप्रभात। स्नेह छात्राओं, दिगंत प्रकरण के अंतर्गत संस्कृत साहित्य की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। स्नेह छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिगंत प्रकरण का विगत दिनों पूर्व शुभ आरंभ हो चुका है। इसके अंतर्गत आप प्रमुख सूत्रों के संदर्भ में जानकारी या परिचर्चा हम आपसे कर चुके हैं YouTube चैनल के माध्यम से, और इसी के अंतर्गत आप भू धातु भवादिगण की जो प्रमुख धातु है भू धातु, उसकी रूप सिद्धियों के बारे में परिचर्चा हम आप लोगों से कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष की जो सिद्धि है भवामी, उसके संदर्भ में हम आपसे इस वीडियो में परिचर्चा करेंगे और उसकी सिद्धि किस प्रकार से होती है, कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में आपको हमारे द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण सिद्धि है, यदा कदा एग्जाम में पूछी भी जाती है, इसलिए आप मनोयोग पूर्वक इसका क्या करेंगे, इस वीडियो का श्रवण करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको प्रदान की जा रही है तो उससे आप अपने अध्ययन को एक गति प्रदान करने में समर्थ होंगे। तो बिना किसी विलंब के करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। भवामी भू धातु के उत्तम पुरुष एक वचन की सिद्धि भवामी के साथ। तो भवामी की सिद्धि आप करेंगे तो सबसे पहले इसका परिचय आपको आना चाहिए कि भवामी का परिचय क्या होता है। तो परिचय देख लीजिए, भू धातु है, परस्मै पद है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, ये इसका परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन। भू धातु परस्मै पद लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, इसकी आप सिद्धि करने वाले हैं। तो सिद्धि कैसे करेंगे, सर्वप्रथम हो सकता है हम धातु से, ये तो आप जब आप लिखोगे भू धातु की सिद्धि उसमें सब में ही लिखा जाएगा कि सर्वप्रथम हो सकता है हम धातु से, ये लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले वर्तमान काल की है इसलिए वर्तमान लट सूत्र से लट लकार एवं अनुबंध लोप। अनुबंध लोप क्या होता है इसके बारे में चर्चा हम करेंगे, एक बार लिख देते हैं। अनुबंध लोप करने पर आपकी स्थिति बनेगी भू प्लस लय। अनुबंध लोप से अभिप्राय है कि जब कई सूत्रों का प्रयोग हो रहा हो उसके स्थान पर आप अनुबंध लोप लिख सकते हैं, जैसे कि लट जो लकार है आपका, इसमें टै की हलंतम सूत्र से संज्ञा होती है और लय में जो ए है उसकी उपदेश से अजन्मनासिक सूत्र से संज्ञा होती है, और जिसकी भी संज्ञा होती है उसका तस्य लोपे सूत्र के माध्यम से लोप का विधान है। तो लोप कर दिया तो क्या शेष रहा आपका, लय शेष रहा। अब लय क्या कहता है, इसके बाद तिप तस जी सूत्र लगा दीजिए आप बिना किसी लोप विधान के, तिप तस जी सिप, तिप तस जी सिप सूत्र से क्या होंगे, क्या होगा, तिंग प्रत्ययों की प्राप्ति हो जाएगी, तिंग प्रत्ययों की प्राप्ति यानी जो अष्टादश प्रत्यय हैं उनकी आपको प्राप्ति हो गई है कहां पर, यहां पर। तो भू प्लस तिंग प्रत्यय यहां पर सिद्धि हो जाएगी आपकी, भू प्लस तिंग प्रत्यय आ गया आपके इस सूत्र से। लेकिन आपने एक सूत्र पढ़ा होगा लय परस्मै पद, यानी वो क्या कहता है, लकार के स्थान पर जो तिंग प्रत्यय आदेश होंगे वो परस्मै पद संज्ञा होंगे, तो इसमें तो आपके दोनों है, लेकिन लय परस्मै पद हम केवल क्या रख देगा आपको, परस्मै पद के प्रत्यय रख देगा। तो लय परस्मै पद यहां पर लगा दीजिए, लय परस्मै पद, लय परस्मै पद सूत्र से क्या होगा, लय के स्थान पर परस्मै पद प्रत्यय, तो भू प्लस परस्मै पद प्रत्यय लिख दीजिए यहां पर, भू प्लस परस्मै पद प्रत्यय लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आपका सूत्र होता है तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम योत्तम, इस सूत्र से क्या होगा,
उत्तम पुरुष एक वचन में उत्तम पुरुष एक वचन में मित्र प्रत्यय तो भू प्लस मिप आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं, भू प्लस मिप तक पहुंच गए आप, भू प्लस मिप आ गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, भू प्लस मिप आ गए, तिंग सित सार्वधातु, तिंग सित सार्वधातु कम, तिंग सित सार्वधातु कम सूत्र लगाया आपने, ये सूत्र क्या करता है सार्वधातु संज्ञा, क्या करता है सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा हो गई तो स्थिति यही बनेगी आपकी भू प्लस में। कर्त्री सब सूत्र लगाएंगे इसके बाद, सार्वधातुक संज्ञा हो गई है तो कर्त्री सब सूत्र लगाना आपको, कौन सा कर्त्री सब, कर्त्री सब सूत्र लगाया इससे सबका आगम, सबका आगम भी हो गया है, वह अनुबंध लोग लिख दीजिए, वह अनुबंध लोप लिख दिया तो स्थिति आपकी क्या बन गई, भू प्लस ए प्लस मिप, कर्त्री सब पूर्व में विदित है आपको, पकार के लंतम से सकार की लसक व तद्धिते सूत्र से संज्ञा हो जाती है, जिसकी संज्ञा होती है उसका तस् लोप से लोप कर देंगे तो ऐसे ही रहेगा, यानी भवादि गण का जो विकरण है मुख्य विकरण सब उसका आगम हो गया आपका भू ए प्लस मिप। अब चलते हैं आगे, एच ओ एगंत को गुणे का आदेश करना है आपको, सार्व धातु कार धातु का योग, से एगंत को गुणे का आदेश, एगंत को गुण एक आदेश, एकांत को गुणे का आदेश कर दिया तो भू प्लस ए प्लस मिप, यानी कि जो कु है उसके स्थान पर वो कर दिया, बस ये गुणे का आदेश हुए। अब एच ओ ए आगे लगा दीजिए, एच ओ ए वायावे, एच ओ ए वायावे सूत्र से क्या करेंगे आप, ओ के स्थान पर अब ओ के स्थान पर अब कर दिया तो स्थिति क्या बन जाएगी, भ प्लस अब ए प्लस मिप। एक सूत्र आपको लगाना है हलंत्यम, हलंत्यम से जो मिप का पकार है की संज्ञा वह तस्य लोप है सूत्र से लोप, पकार की संज्ञा भी हो गई है तस्य लोप से लोप कर दिया तो स्थिति आपकी क्या बन गई, है प्लस आव प्लस ए प्लस मी। अब भवामी आपको बन रहा है, भवम बन भवा भवमी बन रहा है, भवामी बनाना है तो अतो दीर्घ को यही सूत्र लगाना है आपको, जो अदंत अंग को क्या करता है दीर्घ एक आदेश करने का कार्य करेगा, अतो दीर्घ को यही सूत्र उसी को लगा दीजिए, अतो दीर्घ को यही, अतो दीर्घ यही से अदंत अंग को, अदंत अंग को दीर्घ एक आदेश, दीर्घ एक आदेश हो गया तो आपकी स्थिति बन जाएगी है प्लस आव प्लस ए आ प्लस मी, ए के स्थान पर आ कर दिया है और कुछ नहीं करना है आपको, ए के स्थान पर आ करना है, अजी नम परे लगा दीजिए, अजी नम परे संयोजन, अजीनम परेण संयोजन से वर्णों को मिलाकर लिखेंगे, संयुक्त करके लिखेंगे तो आपका रूप क्या बन जाएगा, संयुक्त करने पर रूप बन जाएगा आपका क्या, भवामी।
अजीना फरेन संयोजन से जब आप वर्णों को मिलाकर के लिखेंगे तो आपका रूप बन जाएगा क्या? भवामी। इस तरह से आपको ये रूप सिद्धि करनी है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपको परेशानी अगर उपस्थित होती है तो आप हमें प्लीज कमेंट के माध्यम से अवगत कराने का श्रम करें। वैसे हमारे द्वारा आपको बड़ी सावधानी पूर्वक जानकारी प्रदान की जाती है, लेकिन मानव स्वभाव है, कोई कमी रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से प्लीज हमें ये जानकारी देने का श्रम करें कि कहां पर समस्या आपको आ रही है। और ये सारी जानकारी आपको महाविद्यालय के YouTube चैनल के अतिरिक्त मेरे स्वयं के चैनल कुमार संतोष शर्मा पर भी उपलब्ध है। एक विनम्र आग्रह सभी स्नेही छात्राओं से यह है कि आप हमारे चैनल को अधिक का अधिक अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने और कराने का श्रम करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नवीन सिद्धियों के साथ।